नमस्कार। अपने पद और अपने पैसे का कभी घमंड मत करना। जीवन में ध्यान रखना, अगर आपने अपने पद और पैसे का घमंड किया ना, तो आपका घमंड ऐसा टूटेगा ना कि आप कहीं के नहीं रहोगे। भगवान शिव जब देवताओं का घमंड तोड़ सकते हैं, तो आप क्या चीज हो, ध्यान रखना। घमंड कभी मत करना, घमंड एक पल में प्रभु आपका घमंड तोड़ देंगे। एक पौराणिक कथा है, देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर को अपने पैसों पर बहुत घमंड था। वो सभी देवताओं को जब भी पैसे की जरूरत होती थी तो वो उनको देते थे, और उनको पैसों का अपने आप में बहुत घमंड था। तो एक बार वो कैलाश पर्वत पर जाते हैं शिव जी के पास में, और प्रभु को कहते हैं कि प्रभु मेरे महल में आप खाना खाने आइए। जब ये बात कुबेर भगवान शिव को कहते हैं, तो भगवान शिव समझ जाते हैं कि कुबेर में घमंड आ गया। तो भगवान शिव कुबेर देव से कहते हैं कि आप मेरे को खाना खिला रहे हो, इससे अच्छा किसी जरूरतमंद को खाना खिलाइए। तो कुबेर कहते हैं, प्रभु मैं उनको तो रोज खाना खिलाता हूं, आज मैं आपको और आपके पूरे परिवार को खाना खिलाना चाहता हूं अपने महल में। तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं तो बहुत जल्दी खाने से तृप्त हो जाता हूं, आप श्री गणेश को ले जाइए, ये जल्दी तृप्त नहीं होते। तो कुबेर ने कहा कि मैं सबको तृप्त करता हूं, श्री गणेश क्या चीज है, इनको भी तृप्त कर दूंगा। देखिए कुबेर का घमंड देखिए। अब श्री गणेश कुबेर के साथ खाना खाने जाते हैं उनके महल में। तो श्री गणेश खाना खाना स्टार्ट करते हैं, खाते जाते खाते जाते खाते जाते, और कुबेर बनवाते जाते खाना, बनवाते जाते। एक टाइम ऐसा आता है कि कुबेर का पूरा धन दौलत सब खत्म हो जाती, फिर भी श्री गणेश तृप्त नहीं होते। तो कुबेर दौड़े दौड़े भगवान शिव के पास जाते हैं, और पीछे से श्री गणेश भी आ जाते हैं। हे प्रभु मुझे माफ कर देना, मैं श्री गणेश को तृप्त नहीं कर पाया, मुझे घमंड हो गया अपने धन पर अपने पद पर, प्रभु मुझे क्षमा करें। तभी भगवान शिव माता पार्वती को कुछ खाने के लिए लाने के लिए कहते हैं, और माता पार्वती कुछ खाने के लिए लाती है और श्री गणेश को देती है, और तभी भगवान श्री गणेश वो खाते हैं और उनका पेट तृप्त हो जाता है। तो भगवान शिव कुबेर को कहते हैं कि जीवन में कभी भी अपने पद और पैसों का घमंड मत करना, वरना यही घमंड ऐसा टूटेगा ना कि तुम जीवन में कहीं रह नहीं पाओगे। तो जीवन में ध्यान रखना, कभी अपने पद पर और अपने पैसों का घमंड मत करना, वरना भगवान शिव ये घमंड ऐसा तोड़ेंगे ना कि आप जीवन में याद रखोगे।